भी रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमें सब्सट्रैक्शन सीखना है। सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ओके, सो ऊपर कोई भी नंबर हो, इसके अंदर से नीचे के नंबर माइनस करना होता है। तो इन दिस चैप्टर सब्सट्रैक्शन, तो 14 माइनस 12 हो तो 14 हो, इसमें से 12 आपको माइनस करना, नीचे के नंबर है वो आपको कट करना है। ओके, एडिशन हो इसके अंदर ऐड करना है, और सब्सट्रैक्शन हो इसके अंदर आपको कट करना होता है, राइट। तो इसके अंदर हम बोरो वाले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों सीखेंगे। सो है दे आर 25 बर्ड्स हियर, इधर 25 बर्ड्स है। लुक अप, सम न्यू बर्ड्स आर कमिंग, थोड़े जो बर्ड्स है 25 बर्ड्स और न्यू बर्ड है वो भी आ रहे हैं। तो उसका मतलब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एडिशन करना है। लेट अस काउंट देम यूजिंग अवर कार्ड्स, तो चलो हम हमारा कार्ड का यूज़ करके उसको काउंट कर रहे हैं। हाँ, 110 कार्ड फॉर दिस होल ग्रुप, एक ग्रुप 10 का एक ग्रुप बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 वर्ड्स हो जाए तो इसको एक कार्ड के अंदर 10 ऐसे लिख दो, इसका मतलब कि 10 वर्ड का एक ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा, अगर 16 हुई है, 60 वर्ड हुई है तो क्या करोगे, 10 का एक कार्ड, एक कार्ड के अंदर 10 लिख लो, और ट्रायंगल में ऐसे 1 1 के ऐसे कार्ड बनाना है, तो 1 1 के ऐसे एक्स्ट्रा 6 कार्ड बना दो, 10 6 16 हो गई। ओके, जो इधर आपको बताया है 10 6 16 16 वर्ड्स। बर्ड्स फ्लू इन, लेट अस एड टू सी हाउ मेनी बर्ड्स इन ऑल देर आर नाउ, तो टोटल 16 बर्ड्स थे, इसके अंदर न्यू कितने आए, 25। तो इधर आपको बताया है देखो 16, तो 10 का एक कार्ड एंड 6 एक्स्ट्रा एंड 25, तो 10 के 2 कार्ड, तो 20 हुई है एंड 5 एक्स्ट्रा, तो 25, तो 16 प्लस 25। ओके, तो 6 5 11 का 1 नीचे आपको बताया है, देखो 6 5 11 11 का 1 यहाँ कैरी 1। ओके, तो नीचे आपको पूरा एडिशन इधर बताया है, 6 5 11 का 1 कैरी 1, तो 1 1 2 2 2 4, तो कितने हुए टोटल बर्ड, 41 बर्ड है वो टोटल हुए। ऐसे ही हाउ मैनी क्रेन्स एंड स्वान्स, तो देर आर 31 क्रेन्स एंड 39 स्वान, तो लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी स्वान्स एंड क्रेन्स देर आर इन ऑल, तो दोनों का 39 एंड 31 दोनों का प्लस करना है। तो इधर देखो 9 1 10 10 का 0 कैरी 1 3 3 6 6 1 7, टोटल कितने हुए 7, था टोटल नंबर ऑफ स्वान एंड क्रेन इज 7070। ओके, तो आपको नीचे यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है 70। वन मॉर्निंग सूरज सो दैट आउट ऑफ 70 बर्ड्स ओनली 26 बर्ड वेर लेफ्ट द रेस्ट हैड गो अवे, तो एक दिन क्या हुआ, सूरज ने देखा कि 70 बर्ड्स है एंड 26 बर्ड वेर लेफ्ट, 26 बर्ड लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब के माइनस, टोटल ऐसा वर्ड आए तो एडिशन करना होता है। जीरो में से 6 कभी माइनस होता नहीं है, तो माइनस में क्या करना होता है, जो नंबर इधर दिया है इसके आगे 1 लगा दो, तो 0 है तो आपको क्या लिखना है ऊपर 10, अगर 1 है तो आपको ऊपर लिखना है 11, अगर 2 है तो आपको ऊपर लिखना है 12, 3 है तो 30, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, ओके, 7 है तो 17, 8 है तो 18 एंड 9 हो तो 90। तो ऐसे 10 में से 6 जाए 4, 7 के ऊपर 6, इसके आगे उसका भी 4 नंबर लिखना होता है, तो 6 में से 2 गया 4, तो इधर आप क्या लिखोगे 44, यहाँ 0 के ऊपर 10 लिखोगे, 7 के ऊपर 6 लिखोगे, आया समझ में। ऐसे ही
प्रैक्टिस टाइम है। राहुल स्कोर 23 रन्स इन अ क्रिकेट मैच एंड धोनी स्कोर 69। तो हाउ मेनी रन्स डिड दे मेक इन ऑल? ऑल मतलब कि दोनों के रन्स कितने हुए तो प्लस आएगा। ओके, इधर ऐसे फॉर्मूला दी है, अगर ना दी हो तो आपको समझ आना चाहिए कि क्या आएगा इसके अंदर। तो 23 प्लस 69। ओके, तो 9 3 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 2 8 8 1 9, आंसर क्या आएगा? 92। तो दे मेड 92 रन्स इन ऑल। नेक्स्ट है, डेमा सोल्ड 48 सोल इन अ फेयर, नेक्स्ट डे ही सोल्ड मोर सोल। तो हाउ मेनी सोल्स इन ऑल डिड ही? तो 48 एंड 17, इधर क्या लिखोगे? 48 एंड 70। तो इसके अंदर क्या आएगा, प्लस के माइनस? तो इन ऑल तो प्लस आएगा, 8 7 15 का 5। बुनू रैबिट कैन ईट 29 कैरेट्स इन अ वीक। बुनू का रैबिट 29 कैरेट खा जाता है एंड मुन्नू का रैबिट 42 कैरेट खा जाता है। ओके, तो 42 एंड 29, तो किसका रेबिट है वो ज़्यादा कैरेट खा जाता है? तो आपको करना है माइनस, तो ही पता चलेगा। जब कंपैरिजन हो किसी की तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस आना चाहिए। तो 2 में से 9 माइनस नहीं होता, ऊपर क्या लिखोगे? 12। 12 में से 9 माइनस करो 3, 4 के ऊपर 3। इसके 2 है तो हमने मैंने बताया था अभी, 2 है तो 12, अगर 3 होता तो 13। ओके, जो भी नंबर यहाँ 2 है तो आपको लिखना है 12। ओके, तो इधर लिखोगे 42 माइनस 29। तो 2 है तो ऊपर लिखोगे 12, 12 में से 9 माइनस करो 3, 4 के ऊपर 3, 3 में से 2 माइनस करो 1। ओके, तो आपको लिखना है 13। तो वो इट्स मोर इन अ वीक, हाउ मच? तो 30 कैरेट्स। ओके, कौन खा जाता है ज़्यादा? तो मुन्नू ईट्स 30 मोर कैरेट्स, यहाँ लिखना है मुन्नू, MUNNU, मुन्नू ईट्स 30 मोर कैरेट्स। नेक्स्ट है, नेहा इज 29 ईयर्स ओल्ड, हर मदर इज 58 ईयर्स ओल्ड। तो हाउ मेनी ईयर्स ओल्डर इज नेहाज मदर? तो इधर कंपेरिजन आपको बताई है, तो 58 माइनस 29। ओके, तो 8 में से 9 माइनस नहीं होता, मैंने अभी बताया कि जो नंबर हो उसके आगे 1 लगा दो। तो 8 है तो ऊपर क्या लिखोगे? 18, और 5 के ऊपर बिफोर नंबर 4। 80 में से 9 माइनस करो 9, 4 में से। इज 29 ईयर्स ओल्डर देन नेहा। ओके, नेक्स्ट है 4 7, फाइंड द आंसर। 4 7 प्लस का सम है, तो 7 के अंदर 4 डालो, 8 9 10 एंड 11 का 1, कैरी 1 2 1 3, 3 1 4, 41। अब ये माइनस का सम है, 2 में से 7 माइनस नहीं होता, तो ऊपर लिखोगे 12, 12 में से 7 माइनस करो 5, 3 के ऊपर 2, 2 में से 2 गया 0। नेक्स्ट है 8 प्लस 3, तो 8 में 3 डालो, 11 का 1, कैरी 1, 6 1 7 7 1 8। नेक्स्ट है 19 प्लस 39, तो 9 9 18 का 8, कैरी 1, 3 1 4, 4 1 5, क्या आया? 58। ओके, नेक्स्ट है 54 प्लस 43, तो 4 3 7, 5 4 9। नेक्स्ट है 3 में से 9 माइनस नहीं होता, तो 3 के ऊपर 30, 13 में से 9 माइनस करो 4, 7 के ऊपर 6, 6 में से 5 माइनस करो 1। ऐसे ही 0 में से 7 माइनस नहीं कर, 0 के ऊपर क्या लिखोगे? 10, 0 है तो आगे 1 लगा दो। ओके, इधर 10 में से 7 गया 3, 8 के ऊपर बिफोर नंबर 7, 7 में से 6 गया 1। ओके, नेक्स्ट है 3 में से 7 माइनस नहीं होता, तो 3 के ऊपर लिखोगे 30, 3 है आगे 1 लगा दो, क्या आया? 30, 30 में से 7 गया 6, 4 के ऊपर 3, 3 में से 2 गया 1। ऐसे ही 9 में से 5 गया 4,
नाइन में, नाइन बड़ा नंबर है तो इसमें बोरो करना नहीं होता है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर हो तो डायरेक्टली आप लिखना होता है एन थ्री में से टू गए वन। नेक्स्ट है एट, नहीं होता है तो फोर के ऊपर फोर्टीन, फोर्टीन में से सेवन गया सेवन, नाइन के ऊपर एट, एट में से एट गया जीरो। ऐसे ही सिक्स में से एट माइनस नहीं होता तो आप लिखोगे सिक्सटीन, सिक्स के ऊपर क्या लिखोगे सिक्सटीन में से एट गया एट, सेवन के ऊपर सिक्स, सिक्स में से टू गया फोर, क्या आया 48। ओके कैच द राइट पर्सन, ये नेक्स्ट है वो अगला वीडियो में करेंगे। थैंक यू।